हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके टेक्नोलॉजीज। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में एनएक्स में नेट स्ट्रक्चर आप इजीली मेथड से कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी नेट टाइप का स्ट्रक्चर आप उससे लाइक पेन स्टैंड डिजाइन या फिर कोई भी वीबी स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हम मॉडलिंग में जाएंगे एंड ओके। तो जैसा कि इसमें मेरे पास डायमेंशंस नहीं है तो मैं फ्री हैंड से स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक प्लेन ले लो, डायमेंशंस आप अपने अकॉर्डिंग दे दो जितना आपको चाहिए। इसमें स्ट्रक्चर आप कैसा भी बना सकते हो वो आपके ऊपर है, बट अभी मैं इसमें एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। आफ्टर दैट इसको मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे बाउंडेड प्लेन जो आपको सरफेसिंग में मिलेगा वहां से आप जा सकते हो। तो बाउंडेड प्लेन से क्या होगा कि ये आपका फिल सरफेस में क्या होता है, फिल सरफेस में आपका यही कर्व के साथ में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बास्केट में। तो यहाँ से मैंने ये एक बाउंडेड प्लेन, तो ये एक प्लेनर सर्फेस क्रिएट करेगा। आफ्टर दैट ओके नाउ अब इसी चीज को मुझे पैटर्न करना है, तो उससे पहले हम इसको थिकनेस दे देते हैं सरफेस को। जितना भी आपको उस प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स की थिकनेस रखनी है उतना आप इसमें थिकनेस दे दो। तो थिकनेस के लिए मैंने यहाँ से लिया एंड मैंने इसको प्रोवाइड किया अप्रोक्स 0.05। ओके अब आपको कर्व की जरूरत नहीं है तो आप कर्व को हाइड कर सकते हो। ये जो कर्व है आप इसे हाइड कर दो। नाउ अब जब हम इसे पैटर्न करेंगे तो पैटर्न करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है। देखो आप पैटर्न आप यहाँ से भी जा सकते हो, एसोसिएटिव कॉपी में जाओ। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पैटर्न फीचर और पैटर्न ज्योमेट्री। पैटर्न फीचर में कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं, पैटर्न ज्योमेट्री में कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं एज कम्पेयर पैटर्न फीचर। तो दैट्स व्हाई मैं इसको ले रही हूँ। तो सेलेक्ट किया मैंने वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन, दोनों में आपको बनाना है। तो ये आपके पास एक पैटर्न आएगा। आप यहाँ से डिस्टेंस कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, आप इतना रखना कि ये मर्ज हो जाए। तो मर्ज होने से ये आपको बेनिफिट रहेगा कि आपका डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो और काउंट भी आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से ये आपको ऑप्शन आता है जो आपका पैटर्न फीचर में नहीं आता है। यहाँ से आपका डायरेक्शन वन है, अगर यही चीज मैंने नन कर दी तो आपका इस पैटर्न में आएगा। अगर यही चीज आप डायरेक्शन टू करते हो तो इस पैटर्न में आएगा। तो ये आपके पास बेनिफिट होता है कि आप अलग अलग पैटर्न्स में यूज कर सकते हो इसे। यहाँ से भी आप इसे लिटिल बिट आप कम कर दो, सॉरी 5.8 है तो 6। ओके ये देखो आपका, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके का चाहते हो इस तरीके का कर सकते हो, अगर इस तरीके का चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नन करना है तो आप नन लोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो अभी मैं यही लेती हूँ, यहाँ से मैंने ओके किया। एसोसिएटिव डेट मीन्स जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये सिंगल में ही सेलेक्ट होगा। अब आपको इस प्लेन का यूज नहीं है, आप इसे हाइड कर दो। ओके अब इसमें क्या है कि इन सबको पहले आप एक कर दो, तो डेट्स वाई आप यूनाइट करोगे। यूनाइट में आप फर्स्ट बॉडी जिसका आपने पैटर्न किया है एंड सेकेंड आप यहां से ना सेलेक्ट करके आप यहां से सेलेक्ट कर लो, तो डायरेक्टली आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। सी ओके नाउ अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्केच जाएंगे, ये एग्जैक्टली मिड में नहीं है तो आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं। तो अप्रोक्स मैं मिड में लेती हूँ ताकि ये दोनों तरफ आपका एग्जैक्टली चला जाएगा जो हम ग्लोबल शेपिंग से यूज करेंगे। आपको जिस सरफेस पे करना है आप उतना बड़ा भी ले सकते हो और आप स्मॉल भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। ये मैंने किया। आफ्टर डैट
मैंने एक लाइन भी बना दी यहां से। आप ये ध्यान देना ओवरलैप ना करें। एक बेस सरफेस लाइन होती है जिसको आप एज अ बेस सरफेस आप काउंट करोगे जब आप ग्लोबल शेपिंग यूज करोगे। ओके फिनिश। इसमें आप ये चीजें ट्रिम कर दो, बिकॉज जब आप करोगे तो ये हाफ फीचर में ही आएगा, क्योंकि होल सर्कल का कोई एक डायरेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, तो इतना आप ट्रिम कर दो। ओके नाउ इन सबको आप एक्सट्रूड। अब यहाँ से आप चले जाओ ग्लोबल शेपिंग। ग्लोबल शेपिंग आपको दो मेथड से मिल ले सकते हो, लाइक यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो और आप एडिट में जाकर, ये देखो आप एडिट में जाकर भी वहां से भी ले सकते हो, एडिट में सरफेस में। एंड देन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इन सारे ऑप्शन से अलग अलग तरीके का आप डिजाइन बना सकते हो, बट अभी जो बेसिक डिजाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ बाई सर्फेस। बाई सर्फेस में क्या है कि आप कोई भी सरफेस को जो आपने कर्व दिया उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जिसको मुझे डिफॉर्म करना है, तो आपको ये ज्योमेट्री को डिफॉर्म करना है। ये चीज ध्यान देना, आप यहाँ से बॉडी फेसेस रखना, अदरवाइज कभी कभी होगा क्योंकि सिंगल फेसेस या टेंजेंट फेसेस होंगे तो वो नहीं सिलेक्ट होगा, तो बॉडी फेसेस पे आप रखना। बेस सर्फेस मीन्स जिसको आपने एज अ बेस ट्रीट किया है, एंड कंट्रोल सर्फेस जिसके ऊपर आपको ये नेट का स्ट्रक्चर जिस अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना। ये मैंने सर्कुलर दिया है, आप वेवी भी स्ट्रक्चर दे सकते हो। नाउ अब ये देखो कि ये जो सर्कल है वो इसमें स्ट्रेच होकर एज अ इलिप्टिकल आपका वर्क कर रहा है, तो आप इस तरीके का भी स्ट्रक्चर दे सकते हो। बट अगर आपको इलिप्टिकल नहीं देना है तो ये जो आपने कंट्रोल सर्फेस में नॉर्मल है, तो यहाँ से मैंने अगर नॉर्मल ऑफ कर दूंगी तो ये मेरा सर्कल स्ट्रक्चर ही रहेगा। ओके आफ्टर डैट यहाँ से आप ओके करो। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे आप नॉर्मल टू कंट्रोल रखना, बिकॉज अगर यहाँ से भी आप नन करोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा आपका चेंज होगा। ये सर्कुलर है डेट्स वाई देखो थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है, तो उस केस में आप नॉर्मल टू डेक कंट्रोल रखना, डेट मीन्स कि जो आपने कंट्रोल सर्फेस लिया है उसी के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल आएगा। ओके करो। ये देखो आप, ये आपका हो गया। नाउ अब इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, आप इन्हें हाइड कर दो, सेम आप हाइड कर सकते। ओके आप सेम चीज को मिरर कर सकते हो, तो सेम मिरर का जो ऑप्शन आता है वो आपने लाइक मिरर में आपका मिरर फीचर भी आता है, मिरर ज्योमेट्री भी आता है, आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। इस केस में आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ से मिरर ज्योमेट्री लिया तो आपने सेलेक्ट किया एंड प्लेन जो आपको लेना है। अब ये देखो कि दोनों तरफ का ये जो है डायमेंशन थोड़ा कम था, डेट्स वाई ये चीज यहाँ तक आई है। तो आप ये कर सकते हो कि आप प्लेन थोड़ा सा ये कर सकते हो, प्लेन आप थोड़ा पास में ले लो ताकि ये ओवरलैप हो सकता है। तो अभी मैंने बिना डायमेंशन के बनाया, डेट्स वाई ये आपका इस तरीके से है। अगर आप डायमेंशन से बनाओगे, इधर का रेक्टेंगल है इधर, ये देखो आप ये स्ट्रक्चर बन गया। ओके आफ्टर डैट ये अगर मैंने फ्री हैंड से ही बनाया है, बट इसमें आप ये देखो जहाँ मिरर हुआ है तो यहाँ ये ओवरलैप कर रहा है। तो अगर आप डायमेंशन से बनाते हो तो आपका ओवरलैप नहीं करेगा, बट अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो इसको कम करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास ऑफसेट रीजन। आप यहाँ से फेस सेलेक्ट करके आप उतना पीछे दे पॉइंट आपका आ गया। आफ्टर डेट जब आप यूनाइट करोगे तो ये एच भी आपका चला जाएगा। इसी तरीके से हम सारी चीजें को कर सकते हैं, तो पहले मैं कर देती हूँ। ये देखो ये मैंने सारे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थे इनको मैंने मिला दिया। आफ्टर डेट यहाँ पे अगर मुझे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे एक बेस आपको बनाने के लिए आप सर्कल बना के आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हो, या फिर आप एन साइडेड सरफेस से भी यूज कर सकते हो जैसा आपको है। तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। आप इसी को फिल सरफेस यहाँ से आप सर्च करके आप फिल सरफेस कर दो। अगर जीरो है तो डेट मीन्स प्लेनर है। अगर आपको थोड़ा कर्व करना है तो आप उस केस में आप इसको फ्री हैंड से भी आप कर सकते हो।
ये देखो आप, थोड़ा डोम स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा। अगर ये आपको अपोजिट साइड में चाहिए तो आप इसी चीज को -4 में करके कर सकते हो। ओके आफ्टर डैट आप इसको थिकनेस दे दो, जितना भी आपको थिकनेस उसको भी देना है। तो सेलेक्ट किया मैंने और इसकी थिकनेस मैंने सेम प्रोवाइड कर दी। आफ्टर डैट जो आपका सरफेस हुआ है फिल सरफेस, उसको आप हाइट भी कर दोगे बिकॉज आपने थिकनेस दे दिया है, तो ये आपको परफेक्ट। सेम अगर आपको लाइक ऊपर का स्ट्रक्चर आपको जितना कट करना है तो आप उसे रेक्टेंगल बना के कट भी कर सकते हो। After that, आप इस पे मटेरियल अप्लाई कर दो। मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो। मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो एंड आप सेम व्यू में जाओ, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। आप यहाँ से जो भी आपको कलर और ये चीजें अप्लाई करनी है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके करो। एंड ये आप हाइट कर दो। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ग्लोबल शेपिंग का आपको यूज पता लग गया होगा और उससे किस किस टाइप के आप स्ट्रक्चर बना सकते हो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। थैंक यू।